हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वीनू है और आप देख रहे हैं वीनूज वे। तो आज का वीडियो है डाइनिंग टेबल डेकोर के बारे में। इट्स अमेज़न हॉल। जो चीजें मैंने अमेज़न से ली हैं अपना डाइनिंग टेबल डेकोरेट करने के लिए, वो सारे जो हैं लिए हैं अमेज़न से। तो मैं सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने इस वीडियो को जो है दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट तो है जब आप अपना डाइनिंग टेबल डेली यूज में कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट है कि जब आप कोई आए, कोई गेस्ट या फिर कोई स्पेशल ओकेजन है, तब आप अपना डाइनिंग टेबल डेकोर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला पार्ट शुरू करते हैं जो है डेली डेकोर ऑफ डाइनिंग टेबल। सबसे पहला जो चीज़ है वो है ये गैम्बिट स्पाइस जार। 6-पीस सेट है ये। ये एक प्लास्टिक ट्रे में आता है और इसमें 6 इस तरह के रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं। और ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, तो उसकी टेंशन लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने यूज़ किया है अपने डाइनिंग टेबल पर, किस तरह आइए देखते हैं। तो मैंने इसको अपने डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से रखा है, क्योंकि ये ट्रे में आता है तो इधर उधर गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही आसानी से एक ही जगह पे असेंबल होके ये रह जाएगा। और इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, सौंफ रख सकते हैं, मुखवास रख सकते हैं, या फिर आप अगर आप काला नमक या भुना जीरा एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं तो करते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और बहुत ईजिली यूज़ में आ जाता है। और देखिए इस तरीके से इसमें 3 में जो है स्प्रिंकलर टाइप ओपनिंग दी हुई है और 3 में बड़ी ओपनिंग्स दी हुई हैं, तो आप उस हिसाब से जो है इसमें सामान रख सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये पिंक असॉर्टेड आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट। ये बहुत ही अच्छा दिखता है अगर आप इसको डाइनिंग टेबल पे रखेंगे। कई लोग जो है रियल पॉट्स या प्लांट्स भी रखते हैं, बट उनको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस तरीके से इसको अपने डाइनिंग टेबल पे प्लेस किया है। मैंने वाइट कलर चूज़ किया था क्योंकि बहुत ही यूनिवर्सल कलर है, तो इसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और डेकोर भी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो नेक्स्ट है ये ओशन पॉप जार सेट ऑफ 6 पीसेस। ये 325 ml ईच है, और इसमें मैंने क्या रखा हुआ है चलिए दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको 6 पीसेस का सेट मिलेगा। तो आप इसको किचन में भी रख सकते हैं, बट मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे किस तरीके से यूज़ किया है देखिए। मैंने इसमें डेली यूज़ में जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं वो यूज़ किए हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स और चौकोस। तो ये एयरटाइट है तो इसमें सिलेगा भी नहीं, तो इससे और ये बहुत ही अच्छा भी दिखेगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो बहुत ही क्लासी लुक देगा। नेक्स्ट है ये ग्लास जार सेट। ये 12 पीसेस का आता है और ये एयरटाइट है और रस्ट प्रूफ है इसका जो लिड है। काफ़ी अच्छे मटेरियल का ग्लास है, मोटा ग्लास है, इजीली ब्रेक नहीं होगा, और क्योंकि ये रस्ट प्रूफ है तो उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो मैंने इसको यूज़ किया अपने डाइनिंग टेबल पे पिकल वगैरह रखने के लिए, क्योंकि एयरटाइट कंटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पिकल वगैरह के लिए, और ये अच्छा भी दिख रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये वुडन कटलरी होल्डर, और ये क्योंकि वुड में है और मेरे पूरे डेकोर के साथ अच्छे से जा रहा था, इसीलिए मैंने कटलरी होल्डर चूज़ किया। और आप देख सकते हैं कि ये कितना इसका रॉ फिनिश है, फिर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है। मैंने इसको यूज़ किया है कटलरी वगैरह जो भी चम्मच या कांटे वगैरह होते हैं वो रखने के लिए, और साथ में इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं तो आप टिश्यू भी रख सकते हैं उसमें। तो मैंने इसी तरीके से इसको यूज़ किया है। ये पूरे मेरे जो है डाइनिंग टेबल डेकोर के साथ जा रहा था, क्योंकि मेरी चेयर्स भी जो हैं वुडन हैं। नेक्स्ट है ये इकलौती चीज़ है जो मेरे इस हॉल में अमेज़ॉन से नहीं है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिए थे। बहुत ही क्यूट से जो हैं सॉल्ट और पेपर सेलर्स हैं, तो ये सेरेमिक के बने हुए हैं और मुझे बहुत ही क्यूट लगे इसलिए मैंने लिए हैं। और इस तरीके से मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखे हैं, और देख सकते हैं आप कितना क्यूट लग रहा है और पूरा डेकोर को बहुत ही फंकी बना रहा है ये। तो ये सिंपल से बस सॉल्ट सेलर्स हैं जो आपके पूरी डाइनिंग टेबल को बहुत ही क्यूट दिखाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डाइनिंग टेबल का बेस है, वो ये एक रनर है, पीवीसी रनर है, जो आप डेली यूज़ में यूज़ करेंगे तो इतना गंदा नहीं होगा और इजीली कपड़ा मारने से जो है साफ़ हो जाएगा, इसीलिए डेली वेयर में आप पीवीसी का यूज़ कीजिए। तो मुझे सेम लिंक तो नहीं मिला, बट इस तरीके का ही है कुछ मेरा भी, और आप देख सकते हैं कि इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, सिर्फ एक कपड़ा मारिए और ये साफ़ हो जाएगा, और इतना ईजीली जो है इस पर स्टेन भी नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं एक बारी के डेली यूज़ में मेरा डाइनिंग टेबल कैसा दिखाई देता है।
तो अब शुरू करते हैं पार्ट टू, जब कोई आए तो हमें डाइनिंग टेबल को कैसे सजाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है ये क्लॉथ टेबल रनर, रेड कलर का है तो काफ़ी आपके जो डेकोर को है एक वाइब्रेंट फील देगा, और क्योंकि ये कॉटन है तो स्लिप भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा दिखेगा डेकोरेशन के लिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको यूज़ किया है अपने टेबल पे, तो आप देख सकते हैं कि इसको लगाने से ही पूरा जो लुक है टेबल का कितना डिफरेंट हो गया है वो पीवीसी वाले से। क्योंकि हम इसको डेली वेयर में यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा स्टेन होने का डर रहता है। तो नेक्स्ट है ये 6 पीसेस का टेबल नैपकिन सेट, क्योंकि हमारा रनर रेड कलर में ही था तो इसीलिए मैंने ये भी रेड कलर का ही चूज़ किया। ये भी कॉटन में है लेकिन ये स्टेन प्रूफ होते हैं, मतलब जल्दी से स्टेन हट जाता है अगर लग भी जाए तो। तो देखिए इस तरीके से जो है आप सेम कलर का यूज़ कर सकते हैं, जिस कलर का रनर है आपका उसी कलर के नैपकिन यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा वो दिखेगा और आपके गेस्ट पे जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा कि आपने थोड़ा पेन लिया है डेकोरेशन के लिए। नेक्स्ट है ये स्टेनलेस स्टील का कटलरी सेट विद स्टैंड, इसमें आपको 24 पीसेस मिल जाएंगे स्पून फोक और नाइफ़ के। तो ये जो है चाहिए ही होता है जब कोई गेस्ट वगैरह आता है तो एक्स्ट्रा स्पून्स और नाइफ्स और कटलरी जो भी आपकी होती है वो चाहिए ही होती है। तो मैंने इस तरीके से जो है रखा है अपने टेबल पर ताकि बार बार जो है किचन पे जाना ना पड़े, उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट है ये क्रॉकरी सेट है, एक्चुअली ये सिर्फ प्लेट सेट है, ये जो ब्रांड है लारा ये बोरोसिल का ब्रांड है और इसमें आपको 6 पीसेस मिल जाएंगे प्लेट के। और ये सिर्फ प्लेन वाइट जो है ये काफ़ी अच्छी और क्लासी दिखाई देती है, ज़्यादा जो है तड़क भड़ मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने इस तरीके से जो है इसके बाउल्स भी ले रखे हैं सेम वाइट कलर के, ये भी सेट ऑफ 6 में ही आते हैं और बोरोसिल तो नाम ही आप जानते हैं कितना अच्छा है, तो कोई क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग करते नहीं हैं। तो आप बेफिक्र हो कि अगर लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, अगर फुल सेट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं डिनर सेट का तो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। और ये मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ और अभी तक जो है कोई भी स्टेन या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। तो जल्दी से अब मैं आपको सेट करके दिखा देती हूँ कि सेटिंग कैसे कर सकते हैं आप अपनी क्रॉकरी और अपनी कटलरी की नैपकिन्स के साथ, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस बस इतना ही था आज के वीडियो में, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, और अगर ऐसे ही किसी वीडियो की जरूरत किसी आपके रिलेटिव या किसी फ्रेंड को है तो शेयर करने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।